आज पेट्रोल डीजल गैस के खिलाफ जो है बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया है। देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है, जिसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू कुछ न कुछ ये मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हुए नजर आ रही है। और ये आंदोलन जब तक कि मोदी सरकार के कान में जू नहीं लगेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मांगनी है कि मोदी को जल्द से जल्द अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि आने वाला वक्त जो देश का है वो अच्छा हो और ये महंगाई खत्म हो। द्वारा जो डीजल पेट्रोल के भाव को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया और कई जगहों पर हमने देखा कि आप लोगों ने मोर्चा जो निकाल कर प्रांत अधिकारी को कार्यालय लिखा रहे, यहाँ से क्या आश्वासन मिला और क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ती महंगाई को लेकर? देखिए, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के यूथ अध्यक्ष महबूब साहब के तरफ से पूरे महाराष्ट्र में आदेश है यूथ वालों को कि अपने अपने ज़िलों में महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। और कल रात में एक बैग हमारे यूथ भिवंडी शहर के यूथ के अध्यक्ष आसिफ खान को अर्जेंट में फ़ोन आया कि आप लोग को पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ करना है, ये नहीं कि पब्लिक जमा करके लेके आना है, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन करना है। डीजल पेट्रोल और गैस की जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है उसके खिलाफ आप लोग प्रांत ऑफिस में जाके एक मेमोरेंडम देना है। आज आप लोग देख रहे हैं पूरे देश के अंदर पूरी जनता परेशान है, डीजल पेट्रोल गैस अनाज ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, आमदनी कम हो रही है, आज कोई कारोबार नहीं है, आज हमारे नौजवान बच्चे नौकरी पे नहीं है, आज नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है इस देश का। और सिर्फ हमारे मोदी साहब अंबानी और अडानी का ध्यान दे रहे पर देश बेचते चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब जनता पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो इस तरीके से आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी के अलावा सभी पार्टी वाले आंदोलन कर रहे महंगाई के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ, लेकिन मोदी जी और भाजपा सरकार इतने बेशरम है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप देख लीजिए 11 महीने से किसान लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पे कोई असर नहीं गिर रहा है। 650 लोगों की जाने जा चुकी है, लोग बारिश में भीग के गर्मी में ठंडी में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन मैं समझता हूँ अभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार को हमारी मांगनी है, यूथ की तरफ से मांगनी है कि मोदी को जल्द से जल्द
अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि आने वाला वक्त जो देश का है वो अच्छा हो और ये महंगाई खत्म हो। अभी आज हम लोग प्रांत ऑफिस में आके एक मेमोरेंडम दिया है यूथ के अध्यक्ष की तरफ से कि ये सरकार तक बात पहुँचाई जाए। जो आज आंदोलन किया गया है गैस डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ा है वो भाव कम हो, अगर कम नहीं होगा तो इसी तरीके से यूथ के लोग पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर ऐसा आंदोलन करते रहेंगे। ओम ना करो जा रहा है सब। आसिफ भाई क्या कहेंगे आज आपके नेतृत्व में जो डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर मोर्चा निकाला गया प्रांत अधिकारी को जाकर दिया गया, इस पर कोई सुनवाई नहीं रही तो अगला कदम क्या है? राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महबूब शेख साहब के आदेश अनुसार और हमारे भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष शोएब गुड्डू साहब के और हैदर शेख साहब जो भिवंडी शहर के निरीक्षक हैं उनकी उपस्थिति में आज पेट्रोल डीजल गैस के ख़िलाफ़ जो है बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया गया है। देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है जिसको देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू कुछ न कुछ ये मुद्दे को लेकर के आंदोलन करते हुए नज़र आ रही है और ये आंदोलन जब तक कि मोदी सरकार के कान में जूं नहीं लगेंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हो पिछले 2014 में जब डीजल 40 रुपये 45 रुपये लीटर हुआ करता था तो इस देश की जो ईरानी मैडम है उन्होंने रोड पर आकर के और अपने ऊपर गैस बाटला सर पर लेकर के सरकार का निषेध किया था और मोदी सरकार जो भाजपा सरकार है उन्होंने भी जगह जगह पे अपनी तरफ से आंदोलन किए थे लेकिन आज पेट्रोल डीजल का भाव जो है 100 के ऊपर होते हुए नज़र आ रहा है जो कि आम जनता के ऊपर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है। तो इसको लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी हुई है और हम इसी तरीके का जैसा भी हमको पार्टी के ऊपर आदेश रहेगा हमारे जिला अध्यक्ष हमारे निरीक्षक का आदेश रहेगा हम इससे बढ़ चढ़ करके आने वाले वक्त में आंदोलन करेंगे जब तक कि मोदी सरकार इस बात को अपने नज़र में नहीं लेगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे।